नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां स्वामी सत्यानंद ने गड्ढा मुक्त कराने का लिया संकल्प। जहानाबाद विधानसभा से संभावित सपा प्रत्याशी महामंडलेश्वर स्वामी सत्यानंद ने गड्ढा मुक्त कराने का संकल्प लिया और कार्य को शीघ्र अंजाम देने में जुट गए। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संवाददाता अजय कुमार की एक रिपोर्ट पर नजर। समाजवादी पार्टी के द्वारा और इस यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य से यहाँ की जनता को कैसे प्रभावित करना चाहते हैं? मैं तो केवल सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेवा का भाव लेकर के आया हूँ और अभी तक मैं सेवा ही कर रहा हूँ। परंतु यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि जितने गांव का मैंने दौरा किया, वहाँ पर इन 4.5 वर्षों में कोई काम नहीं किया गया है। कहीं पर नालियाँ नहीं है, और नालियाँ हैं तो वहाँ पर सफाई करने वाला कोई नहीं है। और कहीं पर ट्यूबवेल बने भी हैं, गवर्नमेंट के जो ट्यूबवेल हैं वो वहाँ पर ख़राब पड़े हैं, जबकि उससे लोगों को, किसानों को बहुत पानी दिया जा सकता है। कितने हैंडपम्प लगे पड़े हैं जो चल नहीं रहे, केवल शक्ल में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हैंडपम्प लगा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर गाँव में, हर गाँव की सड़कें ठीक की जाएँ, और यहाँ पर जो दबसौरा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ 35 कमरों का, उसको चालू किया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता है। और अमौली का जो हॉस्पिटल है वो बहुत छोटा है। ऐसी स्थिति में यहाँ की जो मूलभूत परेशानियाँ हैं, जो लोग सड़कों से परेशान, पानी से परेशान, जहाँ देखो वहाँ खड्डे ही खड्डे। अभी मैंने कोशिश की छोटी सी कि महोदय में काफ़ी लंबा एरिया था जिसमें कीचड़ भरा था, बच्चे निकल नहीं पाते थे, कॉलेज के बच्चे गिर जाते थे, पब्लिक भी परेशान थी कीचड़ पानी से, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। उसके लिए मैंने प्रयास किया कि महोदय की सड़क ठीक करने का काम किया और उसको एक चौराहे को गड्ढा मुक्त किया, दूसरा डिगवा भी गड्ढा मुक्त किया, तीसरा अभी हम माजेपुर में ऐसे छोटी छोटी सेवाएं करते चले जाएंगे। इसलिए जहानाबाद आने का मतलब है कि नौजवानों को काम मिल सके, यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो नौजवानों को काम मिल सके। और किसान जो परेशान है, रात भर जगता है किसान तार से लेकर के, वो गायों से मुक्त हो सके और गाय को सही जगह पर गौशाला बना करके भेजा जा सके, मतलब किसानों को भी राहत मिले, उनके घर में रोटी पक सके, ये मेरा उद्देश्य है। उसी के लिए मैं